हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और ये एक डेमो वीडियो है। मैं आपको दिखाता हूँ आज के इस वीडियो में क्या खास है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेस को ओपन करते हैं और ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट का नेम एंटर करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने एंटर किया यहाँ पे माउस MOUSE, ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्राइस जैसे 230 रुपये एंटर कर दिया, अब यहाँ पे पीसेस 67 आ गए, तो यहाँ पर टोटल तो ऑटोमेटिक होता जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर स्टेट का कोड होता है, आपने टैली अगर पढ़ा होगा या फिर आपने GST कभी लगाया होगा तो आपको ये पता होगा कि ये कोड है क्या, ठीक है। हर स्टेट का अपना अलग कोड होता है। तो अभी इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, तो 1 लिखते हैं यहाँ पे क्या आ जा रहा है, IGST आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं CPU, ठीक है। और CPU लिखने के बाद यहाँ पर प्राइस डाल देते हैं, इसकी CPU की प्राइस कितनी है, और यहाँ पे यूनिट डाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोड लिखता हूँ 9, तो जैसे ही 9 लिखता हूँ तो CGST प्लस SGST ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताऊंगा, देखिए ये कैसे हुआ इसके बारे में आज बताऊंगा, देखिए कैसे हुआ। और इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिजाइन व्यू पे लेके आपको दिखाता हूँ। ये डिजाइन व्यू पे ये ID का डेटा टाइप ऑटो नंबर रखा, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है शॉर्ट टेक्स्ट है, प्राइस करेंसी है यूनिट, और बाकी यहाँ कैलकुलेटेड लेकर के कैलकुलेट किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट किया वो भी आपको जूम व्यू पे लेके दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेशन है हमारी, ठीक है। उसके बाद से स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कोड हैं और यहाँ पर GST टैक्स टाइप में कैलकुलेटेड ही लगाया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया वो भी देखिए, यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाया, तो MS Access में इफ नहीं लगाया जाता, IF लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे स्टेट कोड देख सकते हैं, स्टेट कोड अगर 9 है तो CGST प्लस SGST लिखा हुआ है, और अगर स्टेट कोड इसके अलावा कुछ भी है तो IGST आ जाए, तो बिल्कुल वही है। और यहाँ पर वही कंडीशन फॉलो भी हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे जब भी स्टेट कोड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं करता हूँ GPU, और ये GPU करके यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पे प्राइस, तो यहाँ 20,000 करते हैं और यहाँ पे 6 करते हैं, और यहाँ जैसे ही यहाँ पर एक अलग स्टेट कोड जो कि दिल्ली का होता है 7 अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक IGST आ जाता है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर देखिए एक और मैं दिखाता हूँ मॉनिटर, ये लिखा मॉनिटर, और मॉनिटर लिखने के बाद यहाँ पर मॉनिटर की प्राइस डाल देते हैं इसे 6,000 रुपये कर देते हैं मॉनिटर प्राइस, और यहाँ पे 5 करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही कोड में 9 डालता हूँ तो 9 डालते ही यहाँ पे CGST और SGST आता है, यानी कि सेम स्टेट का मामला जब भी होता है तो CGST SGST ही लगता है। तो इस तरह का अगर आपको करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। आगे का सॉफ्टवेयर आगे की वीडियो में आएगा, ठीक है। इसमें आगे कैसे और इसमें चीजें हम करेंगे ये आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।